नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजनाज क्लास। बच्चों, अंजना जैन की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अ लेसन माय चाइल्डहुड रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, आज हम आपकी बुक बीहाइव से एक लेसन माय चाइल्डहुड पढ़ेंगे। ये लेसन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक द विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। इस बुक में बच्चों, उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से उनके पेरेंट्स और आसपास के वातावरण ने बढ़ाया और गढ़ा, ये बताया है। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति, फेमस कोटेशन को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। बच्चों, स्वप्न वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि वह है जो हमारी नींद को उड़ा देते हैं। जीवन में अगर हमको कुछ भी पाना है, अच्छे बनना है, तो निश्चित ही हमें अपनी नींद को या निद्रा को या अज्ञानता को त्यागना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ये लेसन माई चाइल्डहुड। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपका परिचय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फैमिली से करवाना चाहूँगी कि उनको गढ़ने वाले, उनके व्यक्तित्व को शेप देने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे। तो चलिए हम मिलते हैं उनके परिवार से। बच्चों, जो सामने आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन की तस्वीर है, जिसमें वो खिलखिलाते हुए अपने माँ के पास में बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर उनके परिवार की है, जिसमें कि वो अपने माता पिता और बड़े भाई बहन के साथ बैठे हुए हैं। तो बच्चों, ये आपने तस्वीर देखी, इसके साथ ही मैं अब आपका परिचय उनकी आवाज़ से भी करवाना चाहूँगी। Courage to think different, courage to invent, courage to travel into an unexplored path, courage to discover the impossible, courage to combat the problems and succeed are the unique qualities of the youth. As a youth of my nation, I will work with courage to achieve success in all the missions. बच्चों, आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आवाज़ सुनी। इतना ऊर्जावान उनकी आवाज़ है कि जो हमारे युवा लोगों के मन में और बच्चों के मन में जोश भर देती है। चलिए अब बच्चों, हम इस लेसन को पढ़ते हैं। लेसन का नाम है, द नेम ऑफ द लेसन इज माई चाइल्डहुड। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। पुराना जो मद्रास राज्य था, उसके रामेश्वरम नामक कस्बे के, जो कि भारत का एक सुदूर किनारा था, उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। माय फादर जैनुल आबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पिता, वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनुल आबदीन के पास ना तो उनकी कोई औपचारिक शिक्षा हुई थी, ना ही उनके पास धन संपदा थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ही पजेस ग्रेट इननेट विजडम एंड ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इन सब परेशानियों या इन सब कमियों के बावजूद उनके अंदर एक आंतरिक बुद्धि थी और उनका हृदय
बहुत ही सहृदय था. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा, और उनकी एक आदर्श सहायिका थी मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम आशियम्मा था. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. मुझे बिल्कुल सही सही संख्या का तो मालूम नहीं कि वो कितने लोगों को रोज़ाना खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर. लेकिन फिर भी मेरे को, मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरे परिवार के सदस्यों की तुलना में बाहर के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी जो हमारे साथ में खाना खाते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. हालांकि मेरे माता पिता दोनों लंबे थे, लेकिन मैं एक छोटे कद का लड़का था जिसकी बिल्कुल अलग लुक्स थे. We lived in our ancestral house. हम अपने पैतृक घर में रहते थे बच्चों. Ancestral means जो हमारे पूर्वजों का जो घर होता है उसको हम कहते हैं ancestral house. हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century. इसको 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. ये एक बहुत बड़ा पक्का मकान था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक. ये चूना पत्थर और ईंट से बना था, ऑन द मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम. ये रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में स्थित था. मेरे सीधे साधे पिता ने हमें हर तरह के जो गैर जरूरी आराम और वैभव था उससे हमें दूर रखा. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर. लेकिन हमको सब जरूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई गई इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. चाहे भोजन की बात हो, दवाई हो या कपड़े. इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा बचपन था सबसे सुरक्षित बचपन था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली. चाहे भौतिक सुख सुविधा की बात हो या कि इमोशनल हो. बच्चों, ये जो तस्वीर है इसमें आपको APJ अब्दुल कलाम साहब के पिता और माँ दोनों की तस्वीर दिखाई गई है. और अब हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया. व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं केवल 8 साल का था. फॉर reasons आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं ये कारण कभी भी नहीं जान पाया. अ सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market. कि बाजार में इमली के बीजों की मांग एकदम बढ़ गई. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन बीजों को इकट्ठा किया करता था. एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट, और मैं मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान पर उनको बेच दिया करता था. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन में मैं जितने बीज इकट्ठा करता था मुझे लगभग 1 आना पैसे मिल जाते थे. माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. मेरे ब्रदर इन लॉ यानी आप समझिए कि जीजा जी, मुझे अक्सर उस युद्ध की कहानियां सुनाते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी, जो कि मैं बाद में दिनामनी की मुख्य जो पंक्तियाँ थी, हेडलाइंस थी, उसमें ढूंढा करता था. आर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाई द वॉर. हमारा जो क्षेत्र था वो बिल्कुल अलग थलग था, इसलिए उस पर युद्ध का कोई असर भी नहीं हुआ. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज. लेकिन जैसे ही भारत को अलाइड फोर्सेज में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और आपातकाल की एक घोषणा हो गई. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन. तो इसका सबसे पहला असर रेल सेवा को बाधित करना हुआ, हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पे रुका करती थी वो सेवा अब बाधित हो गई. बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक किराने की दुकान पर इमली के बीजों को बेचने के लिए जा रहे हैं.
और यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर दिख रही है उनके अखबार बेचने की है कि वो अखबार लेके साइकिल पे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। अब चूंकि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया तो अब ट्रेन को चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में वो अखबार लिया करते थे। दैट फोर्स्ड माई कजिन समशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड कैच द बंडल्स एज इफ आई नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। इस वजह से मेरे कज़िन समशुद्दीन को जो कि रामेश्वरम में अखबार को दिया करते थे उनको एक सहायक की ज़रूरत पड़ी जो कि अखबार के बंडल को पकड़ ले और स्वाभाविक रूप से वो कमी मैंने पूरी की। समशुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। समशुद्दीन ने मुझे अपनी पहली आमदनी इकट्ठी करना बताया। हाफ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। और अब आधी शताब्दी बीतने के बाद भी अब मैं जब भी अपने उस पैसे को पहली कमाई को याद करता हूँ तो मेरे अंदर एक लहर सी गर्व की एक लहर सी उठती है। बच्चों सर्ज मीन्स एक लहर उठना अपने अंदर। और ये अब आपको तस्वीर यहाँ पर बताने का आपको आशय समझ में आ गया होगा कि अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में एक पेपर बॉय का भी काम किया था। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं। इन टू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। वो बच्चा जो कि एक सामाजिक आर्थिक और आवेगात्मक या संवेदात्मक जो माहौल में जो जन्म लेता है उसके अंदर कुछ आंतरिक गुण होते हैं एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और उसको कुछ ऐसे लोग या मनुष्यों के द्वारा उसको ट्रेन किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे ईमानदारी और आत्मनियंत्रण मेरे पिता से मिला। फ्रॉम माई मदर और मेरी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। और मेरी माँ से मैंने अच्छाई में विश्वास को ग्रहण किया एंड डीप काइंडनेस और गहन दयालुता। एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरे तीन भाई बहनों में भी यही गुण आए। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे तीन बहुत पक्के दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। मेरे तीन दोस्त थे रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आर सेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। और बच्चों के रूप में कभी भी हम लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं हुआ हमारी परवरिश और धार्मिक विरासत को लेकर। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल्स फ्रॉम हिज फादर। और वास्तव में रामनाथ शास्त्री थे वो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी बने जो कि उन्होंने अपने पिता से लिया था। अरविंदन वेंट इन टू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन थे वो तीर्थयात्रियों के रुकने की व्यवस्था करने का व्यवसाय अपनाया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथ रेलवेज। और शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में भोजन वितरण का कार्य संभाला। बच्चों इस तस्वीर में आपको ये चारों दोस्त हाथ थामे हुए दिख रहे हैं और ये हमारे देश की संस्कृति की एक पहचान है। इस अगली तस्वीर में पंडित हैं वो भगवान राम की मूर्ति या राम विवाह होता है तो मूर्ति को लेके चल रहे हैं और इसी जुलूस में देखिए टोपी लगाए हुए APJ अब्दुल कलाम साहब भी दिख रहे हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। जब साल में एक बार राम और सीता के विवाह का समारोह होता था आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारा परिवार उन नावों की
व्यवस्था करता था जिसमें कि भगवान राम की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, और ये जो विवाह स्थल था ये एक तालाब के मध्य में स्थित था जिसका नाम था राम तीर्थ, विच वॉज नियर आर हाउस, और ये हमारे घर के नज़दीक था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रात को सोते समय मेरी माँ और मेरी दादी हम लोगों को रामायण की कहानियाँ और प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन से संबंधित कहानियाँ हमको सुनाती थी। One day when I was in fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, एक बार जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में पांचवीं क्लास में पढ़ता था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप, मैं एक टोपी पहना करता था विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, जो मेरी मुस्लिम पहचान को बताती थी, एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री, और मैं अक्सर बिल्कुल आगे की लाइन में रामनाथ शास्त्री के पास में बैठता था, हु वोर द सीक्रेट थ्रेड, जो कि गले में एक पवित्र धागा पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, अब ये नए टीचर थे, ये इस बात को नहीं पचा सके कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आर स्कूल्स रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और जब उस टीचर ने ये देखा तो उन्होंने मुझे पीछे की बेंच पे जाने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, मुझे बहुत बुरा लगा और रामनाथ शास्त्री को भी लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जब मैं अपनी सीट पर पीछे गया तो नीचे देखने लगा, इन द लास्ट रो, आखिर की कतार में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, और जब मैं आखिरी कतार में गया मैंने उसको रोते हुए देखा, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, इसका मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा। बच्चों, ये सामने की तस्वीर में श्री राम सीता कल्याणम का दृश्य है, जिसमें कि नाव से रामचंद्र जी की मूर्ति वैवाहिक स्थल तक ले जा रही है, और उस बोट की व्यवस्था अब्दुल कलाम साहब के परिवार करता था, और बोट के अंदर भी अब्दुल कलाम देखिए बैठे हुए हैं। After school, we went home and told our respective parents about the incident. अब जो ये घटना स्कूल में हो गई कि उनको पीछे की कतार में बैठा दिया गया, तो अब रामनाथ शास्त्री और अब्दुल कलाम अपने घर पहुँचे और अपने अपने माता पिता को ये इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, रामनाथ शास्त्री के पिता थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को बुला भेजा, एंड इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड पॉइजन एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, और हमारी उपस्थिति में उन्होंने टीचर से कहा कि बच्चों के दिमाग में, निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह का सामाजिक भेदभाव या सांप्रदायिक भेदभाव ना फैलाएं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज, उन्होंने बड़ी तेजी से बेरुखी से टीचर से कहा कि वो या तो माफ़ी मांग ले और क्विट द स्कूलिंग द आइलैंड, और या फिर स्कूल की नौकरी छोड़कर इस आइलैंड से चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, इस पर टीचर ने ना केवल अपने बर्ताव के लिए क्षमा प्रार्थना की, बट द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और लक्ष्मण शास्त्री ने खरे खरे शब्दों में उस टीचर को इस बात को अच्छे से समझा दिया। बच्चों, ये जो सामने की तस्वीर है उसमें टीचर को देखिए, वो टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें वो बच्चे अब्दुल कलाम और रामनाथ शास्त्री फ्रंट रो में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत दृश्य है हमारे समाज का, और इसी में आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वृद्धावस्था में उनको देख रहे हैं और उनकी यंग एज में, दोनों में ही एवर स्माइलिंग फेस है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. हालांकि रामेश्वरम का समाज सामाजिक रूप से काफ़ी कठोर था,
फिर भी मेरे विज्ञान के टीचर शिवसुब्रमण्या अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी भी काफ़ी रूढ़ीवादी थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, लेकिन वो रिबेल शामिल साबित हुए। उन्होंने इन सब बातों का विरोध किया। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। उन्होंने जो सामाजिक भेद था लोगों के बीच में, उसको तोड़ने का प्रयास किया जिससे कि लोग आसानी से मिलजुल सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो घंटों मेरे साथ गुजारा करते थे, एंड वुड से और कहते, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। वो कहते थे, कलाम मैं तुमको ऐसे विकसित होते देखना चाहता हूँ जिससे कि तुम बड़े शहरों के बड़े शिक्षित लोगों से अलग खड़े नजर आओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी पत्नी तो डर गई इस विचार से ही कि किस प्रकार से एक मुस्लिम लड़का उनके शुद्ध जो रसोई है उसके अंदर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मुझे किचन में खाना खिलाने से इनकार कर दिया। शिवसुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब, लेकिन शिवसुब्रमण्या अय्यर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से क्रोधित हुए, बट इंस्टेड इसके बजाय सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे परोसा एंड सेट बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बाजू में बैठकर उन्होंने खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने क्या देखा होगा, क्या कोई अंतर देखा होगा जिस तरह से मैंने खाना चावल खाए, पानी पिया और फर्श को साफ किया भोजन के पश्चात। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ के जा रहा था, शिवसुब्रमण्या अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो शिवसुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह भी भोजन का आमंत्रण दिया। Observing my hesitation, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, he told me not to get upset. उन्होंने कहा, परेशान मत हो, saying, ये कहा, once you decide to change the system, एक बार तुम इस सिस्टम को बदलने का ठान लोगे, such problems to be confronted, तो तुमको इस तरह की समस्या का तो सामना करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, और जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिवसुब्रमण्या अय्यर's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो शिवसुब्रमण्या अय्यर की पत्नी मुझे रसोई के अंदर ले गई और उन्होंने मुझे अपने हाथ से भोजन परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, तभी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, अब तो भारत को आज़ाद होना ही था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि भारतीय भारत का नवनिर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरे देश में एक आशावाद छा गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ के जाने की इजाज़त मांगी एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के जिले स्तर पर मैंने अध्ययन करने का निश्चय किया। बच्चों, इस तस्वीर में देखिए शिवसुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी उनको भोजन परोस रही हैं, और ये जो आपके सामने टर्बन पहने हुए, पगड़ी पहने हुए जो दिख रहे हैं, वो शिवसुब्रमण्या अय्यर हैं, APJ अब्दुल कलाम के टीचर, जिन्होंने कि अब्दुल कलाम की लाइफ को एक आकार दिया। ही टोल्ड मी एज आई थिंकिंग अलाउड, उन्होंने जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुमको जाना है बड़े होने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए तुमको जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या अबाबील सूरज की तरफ नहीं जाता समुद्रों में हजारों मील उड़ने के पश्चात, अलोन अकेला एंड विदाउट अ नेस्ट, बगैर किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील जिब्रान ऑन
टू माई हेजिटेंट मदर, हिचकिचाती हुई मेरी माँ के सामने उन्होंने खलील जिब्रान को उद्धृत किया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। ये तो जीवन, ये जो हमारी कामना और इच्छा है जीवन की, उनके ये पुत्र और पुत्री हैं। दे कम थ्रू यू, आप उनके यहाँ आने का माध्यम है, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन ये आप से में से नहीं आते हैं। यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अपना प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि ये उनके विचार हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज ये लेसन पढ़ा, माई चाइल्डहुड विच इज़ टेकन फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर, जो कि विंग्स ऑफ फायर नामक किताब से लिया गया था। बच्चों, इस लेसन को समाप्त करने से पहले मैं एक और आपको उनका कोटेशन सुनाना चाहूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न, तो उसकी तरह जलना सीखो, लाइक अ सन, सूरज की तरफ। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको लोहे की तरह तपना होगा, तभी आप लोहे से मशाल बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।